तो फाइनली यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब का एडिटिंग एप्लीकेशन जो आना था, सॉफ्टवेयर जो आना था, फाइनली आ चुका है दोस्तों, यूट्यूब क्रिएट। इस एप्लीकेशन से आप लोग यूट्यूब की वीडियो को, इंस्टाग्राम रील्स के या शॉर्ट्स को सब चीज एडिट कर सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही जबरदस्त एडिट, काइन मास्टर आप यूज करते हो, पावर एडिटर आप रियल रील बनाते हो यूज करते हो, ये इनशॉर्ट यूज करते हो, ये भूल जाओ भाई। अब यूट्यूब क्रिएट आपका एप्लीकेशन यूट्यूब खुद दे रहा है आपको, ना ही आपको प्रीमियम परचेज करना है, ना ही आपको लाइसेंस परचेज करना है, ना ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, साथ में कोई भी वाटरमार्क नहीं लगे बिल आपके। और इसमें एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बच्चा से बच्चा इसमें एप्लीकेशन एडिट कर सकता है दोस्तों। तो जो सारे फीचर्स भी है इसमें, सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे यूट्यूब क्रिएटर्स एप्लीकेशन पे ही आपको बहुत सारे म्यूजिक्स मिलेंगे, आपको ब्लॉग्स पे कितने वीडियोस को बैकग्राउंड आप लोग यूज कर सकते हो, कॉपीराइट यूज कर सकते हो, और बिल्कुल यूट्यूब का जो है ना लाइब्रेरी है ना उसे टाइप किया हुआ है दोस्तों। यूट्यूब को ही आपको म्यूजिक क्रिएट पे आपको एप्लीकेशन पे आप लोग यूज कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं लगेगा। तो फाइनली एप्लीकेशन आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पे, जो कि एंड्रॉइड यूजर पे आप लोग चलाते हैं उनके लिए आ चुका है आप, लेकिन अभी अभी iOS को नहीं आया है, अभी फिर 2024 तक आएगा। फिलहाल आप एंड्रॉइड के लिए आ चुका है, तो आपको चलिए प्ले स्टोर पर ले जाए आप मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हैं यूट्यूब क्रिएटर है, आपका लोगो है, बीटा लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। चलिए फोन पे आपको दिखाता हूँ, चलिए इसको पूरा ट्यूटोरियल आपको दिखाता हूँ, A to Z एक्सप्लेन करता हूँ कैसे एडिट आप लोग कर सकते हो, ठीक है, पूरे ट्यूटोरियल इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल स्टोर पे, देखिए यूट्यूब क्रिएटर आपको देख सकते हैं, आपको वीटा वर्जन के बारे में दोस्तों, तो इसको आपको तुरंत आ पाएगा। अब यूट्यूब क्रिएटर आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। अब जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे देखो इस तरह का इंटरफेस आपका आएगा, आप ये देख सकते हो। और सबसे पहले आपको साइन करना होगा, साइन करने के बाद आपको जो फीचर्स होंगे लोगों होंगे जीमेल से आपको लोगों आपको टैप करना होगा लॉगिन, ठीक है, टाइमिंग हो चुका है। अब यहाँ प्लस वाला आइकन होगा, प्लस वाला आइकन ब्रिंग योर आइडिया लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रिंग प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फिर फोन का गैलरी अलाउ कर देना और ओपन हो गया। जो भी आपके जो वीडियोस फोटोज हैं, जो भी आपने ब्लॉग बना रखा है, वीडियोस बना रखे हैं, जो भी गैलरी में आपके आपके शो करेंगे, तो अब गैलरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं या फिर फोटोज को यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको चार फोटोज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक दो फोटोज आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्या करना जानते हैं दोस्तों, अब बहुत आपको क्या इंपोर्ट होने के बाद आपको क्या करता है, अब जब तक बड़ा साइज का फाइल जो होता है ना उसको कन्वर्टिंग करके आपको कंप्रेस करके वही क्वालिटी में आपको उसका MB कम कर देगा, साइज जो है बिल्कुल कम, डाटा कम यूज होगा दोस्तों आपका, वोडिंग टाइम पे जो GB यूज करते हो ना इंटरनेट का वो कम यूज होगा आपका, ये इनहेंस कंप्रेस भी बहुत करता है दोस्तों। तो सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मैंने कॉटेज मैंने इंपोर्ट किया था, ये सारे किट्स आपके क्लिप आ चुके हैं, आप एक दूसरे से जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे एडिट करना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, अब वीडियो शुरू हो रहा है यहाँ पे देखिए, इस जगह से वीडियो शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां तक मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना अननेसेसरी पार्ट है ना, जो ये मेरे को चाहिए हटाना है, ठीक है, अननेसेसरी पार्ट को, यह ग्राफ में दिखेगा भी नहीं, यहाँ पे कहां से बोलना, एक ग्राफ एक ऑडियो का फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है, वहां पे पता चल रहा है कि इस जगह से मैंने बोलना स्टार्ट किया था पहले वाला कोई बेकार चीज, मेरे को अननेसेसरी मेरे को नहीं चाहिए था, तो अब उसको यहाँ पे कट करना है, आपको वो वाला पार्ट को हटा देना दोस्तों, क्योंकि टेप करना है वीडियो को। अब इसको स्प्लिट वाला देखो यहाँ पे एक आइकन में यहाँ पे क्लिक करना है, बस स्प्लिट करने के बाद अब ये लो पार्ट को इसको टच करके यहाँ पे साइड करोगे, यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना, देखो वो वाला असली जो पार्ट जो था ना वो डिलीट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से पार्ट को आपको शुरू में या एंड में आपको कहीं भी आपको काट कर सकते हो, जो मान लेते बीच में थोड़ा सा और बीच में कुछ मैंने रुका हूं उसको हटाना है, तो दो कट लगाना पड़ेगा, एक कट यहाँ पे स्प्लिट किया, फिर एक और आगे थोड़ा किया, फिर एक और स्प्लिट किया, दो कट लगा, अब बीच वाला पार्ट को सिलेक्ट करके टच करके फिर वहां पे डिलीट कर दिया आपको, तो ये वीडियो आपको जो पार्ट है वो हट गया। तो इस तरीके से आपको काट सकते हो क्लिप्स को, अननेसेसरी जो पार्ट है उसको हटा सकते हैं, बीच से कर सकते हो, बहुत ही स्प्लिट वाला पार्ट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे टैक्स वाला देखिए, मान लेते हैं कुछ टैक्स में यहाँ पे डालना है, ठीक है, तो टैक्स में यहाँ पे आप टैक्स वाला ओपन पे क्लिक करेंगे, अच्छा प्लेन टैक्स भी है, प्लेन टैक्स पे मैंने लिखा था कार्तिक टेक लॉकअप मैंने लिखा, ठीक है, तो डन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जहां चाहे जहां मैं आपको ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ बीच में, ठीक है, यहाँ नीचे में, अब थोड़ा सा छोटा बड़ा भी आप लोग कर सकते हो, यहाँ तक है मेरा लिखा हुआ आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसे प्ले करके देखिए, तो मेरा देखिए कार्तिक टेक लॉक के लिखा हुआ है, ठीक है, इफेक्ट के साथ भी टैक्स आता है, देखो आपको काफी ढेर सारे इफेक्ट मिलेंगे, जैसे टाइटल मेरे को यहाँ पे टाइटल पर मैंने क्लिक किया या जो इफेक्ट है थोड़ा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे टाइटल में देखो या जो भी मैंने लिख दिया कि कार्तिक टेक लॉक कैप, ठीक है, यहाँ पे ओके कर दिया। अब इसको प्ले करते हैं, देखो इफेक्ट थोड़ा, देखो इफेक्ट थोड़ा सा इफेक्ट जो पूरा एकदम पूरा उसी तरह से इफेक्ट आएगा आपको, छोटा बड़ा भी आप लोग इफेक्ट कर सकते हैं, जाना चाहते हैं वहां भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इधर करके मैंने आपको यहाँ पे जैसे वीडियो को मैंने ओके किया, इफेक्ट के साथ आ पाएगा, आप ये देखिए आप देख सकते हैं,
अब जो इफेक्ट भी वही होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इफेक्ट आप डाल सकते हो। तो आप स्टिकर्स भी आपको मान लेते, स्टिकर आप यहाँ पे स्टिकर्स में देखो बहुत सारे स्टिकर्स मिलेगा, जैसे लाइक वे, सब्सक्राइब्स है, नो वे है, बहुत सारे देखो, लाइक्स कमेंट शेयर है, सब्सक्राइब बटन आ गए हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब बटन डालना, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट आपको स्टिकर ऐड कर लिया, देखो बहुत छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, स्टिकर को बड़ा छोटा भी लाइक मैं किया हुआ वो भी साइड मैप लगा के। अब देखिए वीडियो चलेगा वहां, देखिए लाइक का थंबनेल टाइप का आएगा, सब्सक्राइब का इफेक्ट टाइप का आएगा, स्टिकर्स आपको बहुत सारे स्टिकर आपको जितना चाहे उतना स्टिकर्स आप लोग ले सकते हो, इतने सारे स्टिकर्स हैं आप लोग देख सकते हो, मिल सकता है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, इसमें फीचर्स थोड़ा साउंड, तो साउंड आपको डालना है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो साउंड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कैटेगरीज है, देखिए आप हिप हॉप, पॉप, डांस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको लेटिन, वो बहुत सारे पॉपअप, मतलब इस तरह के बाकी नीचे जाओगे बहुत सारे साउंड्स मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 मिनट्स के साउंड दिए हुए, बहुत सारे साउंड्स दिए हुए दोस्तों, किसी भी साउंड्स को आपको वीडियो आप यूज कर सकते, देखो ये देख सकते हो। आपको मैं दूसरा प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए मतलब कितने सारे साउंड्स हैं, आप इंटरनल गार्डन है आपके, आपको प्ले करके दिखाते हैं, देखिए मतलब इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट है। हिप हॉप टाइप नहीं है, आपको ये वाला म्यूजिक आपको यूज करोगे ना, आपको कॉपीराइट नहीं है, क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने खुद आपको प्रोवाइड किया है, आप इसको यूज कर सकते हो। आपको मुझे मान लेते इसको मैंने यूज करना है, क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो, आप वीडियो के नीचे आपको लेयर के नीचे दिखेगा यहाँ पे आ चुका है। अब इस साउंड को कम ज्यादा भी आप लोग कर सकते हो, होल्ड करके देखिए, अब जो साउंड को होल्ड को 18% आ दे, अप रख दे, ठीक है, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी आ रहा है, आपको बोल भी रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे म्यूजिक आप लोग, अगर आपको इसको साउंड को वॉल्यूम को कम कर सकते हो, हेड क्रिएट कर सकते हो, फाइन बिट्स कर सकते हो, ऑडियो क्लियर कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको अगर इसको बता इसको हटा दे दो तो यहाँ पे सेट हो चुका है। अगर आपको एक और साउंड का, आपको साउंड इफेक्ट भी बहुत सारे चल देगा, टीम चेयर हो गया, बहुत सारे आपको ताली बजा रहा है कोई, मतलब साउंड इफेक्ट ये देखिए, ये टीम चेयर हो गया, बॉलिंग प्लेयर हो गया, वाइन थ्रू है, मतलब विंडो से थ्रू हवा चल रहा है, इस तरह से आपको साउंड इफेक्ट आपको चल रहा है, कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, तो सारे साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो उसके बाद योर पे क्लिक करते हैं, योर म्यूजिक पे, तो यहाँ पे अलाउ अपना फोन का जो म्यूजिक है देखिए वो भी आप लोग इम्पोर्ट कर सकते हो, देखिए फोन का म्यूजिक आप लोग इम्पोर्ट कर सकते हो, इस तरीके से आपको साउंड भी आप लगा सकते हो। अब लगाते हैं नेक्स्ट, आपको देखिए वॉइस ओवर, सिर्फ मान लेते वॉइस ओवर आपको डालना है, ठीक है। तो वॉइस ओवर पे क्लिक करोगे तो अलाउ कर देना दोस्तों। अब हेलो गाइस, आप सबको फिर से इस वीडियो में आपको स्वागत है। देखिए इस तरह का वॉइस ओवर होगा, कोई भी आप देख सकते हैं, हेलो गाइस आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतने ज्यादा अब इसे वॉइस ओवर देख लिया आपने, आप इसे वॉइस ओवर इसमें डाला था, ठीक है, किया था, तो वॉइस ओवर भी यहाँ पे डाल सकते हो, कैप्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कैप्शन आपको डालना है तो कैप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट करेंगे, कैप्शन भी आपको डाल, जो भी मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट में आपके, इस तरीके से आपको कैप्शन भी आप लोग डाल सकते हो। तो इतने तरह के फीचर्स है आपके हैं, तो ओवरलेज का आपको फीचर्स भी है। तो इस वीडियो के साइड पे इस स्क्रीन शॉट लगाना है, इस मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना है इसके सामने, तो ओवरलो पे जाएंगे आप लोग, ओवर पे दूसरा वीडियो पे आप क्लिप आप लोग लगा, कोई वीडियो जैसे क्लिप, जैसे मैंने ये लाइक मान लेते हैं कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आपको रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, इसको कन्वर्टिंग कर रहा है, इसको कंप्रेस कर देता है साइज को, ये बेस्ट पार्ट आपका एमबी कम खाएगा, आपका इंटरनेट का डाटा बहुत कम यूज करेगा दोस्तों। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गया आपको, अब इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पर साइड पे आपको लगाता हूँ, अब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपका सामने है, देखिए वीडियो पे साइड पे इफेक्ट आपका चल रहा है। तो इस तरह से ओवरफ्लो भी आप लोग यूज करके आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग चलाना है तो आपको दूसरा वीडियो क्लिप लगाना है तो आप लोग लगा सकते हो, जहां तक है तहां आप लोग सेट कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट साइड में जहां तक यूज, कुछ इफेक्ट में जाओगे तो इफेक्ट में देखो क्या है, कुछ एक वीडियो क्लिप से दूसरे क्लिप से जंप करेगा, जैसे ये वीडियो क्लिप से अब दूसरा वीडियो आप क्लिप जंप करा, अब फिर में देखिए डम्बरू टाइप एक स्क्रीन में आएगा तो इस पर क्लिक करना है, जैसे डिजॉल्व है, एड है, अपिट वाइड है, आप इस तरह का देखिए बहुत सारा इफेक्ट है आपको, टेंशन ठीक है, वाइड डायगोनल है, ठीक है, इस तरह को डन करते हैं आप लोग, तो जो भी जंप करेंगे ना तो एक इफेक्ट आ रहा है, तो इफेक्ट भी आप लोग लगा सकते हो वीडियो क्लिप्स के जहां पे जॉइंट पे आप लोग। अब बाकी तो दोस्तों पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको देखिए पूरा एडिट कर लेते, कंप्लीट कर देंगे, तो उसके बाद देखिए 3 डॉट पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना दोस्तों। अब यहाँ पे हाई रेगुलेशन में आपको 110 पे इम्पोर्ट कर दिए, अब इम्पोर्टिंग होने से एक्सपोर्टिंग अब 5 मिनट में आपको सेव हो जाएगा, अब इसको यूट्यूब पे आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो काफी आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इंटरफेस के तरीके एप्लीकेशन निकाला है यूट्यूब ने, आई होप ये आपने समझ में आ गया होगा काफी एप्लीकेशन में आपको कैसे यूज करना है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा कोई भी डाउट है कमेंट करके आप बता देना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, नए हो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आज तक इतना ही है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।